तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आज इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कैसे आप लोग कैंडी पॉकेट का ट्रेडिंग पासवर्ड सेटअप कर सकते हो इसके बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, फ्यूचर में ऐसा ही वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कैंडी पॉकेट का एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा या फिर आपको क्रोम ब्राउज़र में कैंडी पॉकेट को ओपन कर लेना है। तो जैसे कि मैं कैंडी पॉकेट को क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद मैं अभी हूँ होम पेज में। सिंपली मेरे को जाना पड़ेगा प्रोफाइल वाले सेक्शन में। प्रोफाइल वाले सेक्शन में आने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको सेटअप करना पड़ेगा ट्रेडिंग पासवर्ड। इसके लिए यहाँ पर आपको ट्रेडिंग पासवर्ड में क्लिक करना पड़ेगा। तो आपको क्लिक करना पड़ेगा ट्रेडिंग पासवर्ड सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद सिंपली आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ट्रेडिंग पासवर्ड सेटअप। यहाँ पर आपको गेट वेरिफिकेशन कोड में आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर गेट वेरिफिकेशन कोड में जैसे ही क्लिक करेंगे तो सिंपली आपके सामने इस तरीके से एक कैप्चा फिल करना पड़ेगा। तो इस कैप्चा को इस तरीके से फिल कर देना है। फिल करने के बाद सिंपली आपका मेल में एक नोटिफिकेशन भेजा जाएगा जहाँ पर आपको एक वेरिफिकेशन कोड रहेगा, उस कोड को यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल नंबर देकर के लॉगिन किया हो तो सिंपली आपका मोबाइल नंबर में भी कोड आ सकते हैं। तो सिंपली मैं मेरा जीमेल को ओपन करके जीमेल चेक कर लूँगा। तो दोस्तों मेल ओपन करने के बाद सिंपली मेरा सामने कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कोई भी वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर नहीं दिख रहे। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थ्री बार में क्लिक करना पड़ेगा। थ्री बार में क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर स्पैम फाइल को ओपन करना है। स्पैम फाइल ओपन करने के बाद सिंपली देख सकते हो वेरिफिकेशन कोड फॉर कैंडी। तो सिंपली इस कोड को आपको कॉपी करना है। तो इस कोड को कॉपी करने के बाद सिंपली आपको यहां पर जाके पेस्ट कर देना है। कोड को यहां पर डालने के बाद सिंपली मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्लीज़ एंटर ट्रेडिंग पासवर्ड। तो यहां पर मिनिमम 6 डिजिट का पासवर्ड यहां पर डालना पड़ेगा। मिनिमम आपको 6 डिजिट का पासवर्ड यहां पर डालना पड़ेगा। उसके बाद सेम पासवर्ड यहां पर सेकेंड बॉक्स में, इस बॉक्स में आपको डालना पड़ेगा, प्लीज़ री एंटर ट्रेडिंग पासवर्ड। तो सिंपली इस बॉक्स में जो पासवर्ड डालोगे तो सिंपली सेम पासवर्ड यहां पर आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली आपको कन्फर्म में क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं पासवर्ड सेट कर लेता हूं पहले। तो दोस्तों मैं यहां पर पासवर्ड सेट कर लिया है। पासवर्ड सेट करने के बाद सिंपली मेरे को कन्फर्म में क्लिक करना है। ठीक है, तो सिंपली यहां पर मैंने कन्फर्म में क्लिक करूंगा तो लोडिंग ले रहा है। तो वेरिफिकेशन कोड इनवैलिड इसलिए दिख रहा है क्योंकि पेज एक बार रिफ्रेश हो गया था। ठीक है, तो सिंपली मैं फिर से गेट वेरिफिकेशन कोड में क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद स्पैम फाइल में जाऊंगा और उस कोड को कॉपी करके यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हो मैं अभी स्पैम फाइल में हूँ। स्पैम फाइल में फिर से एक वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर आ गया है। तो सिंपली इस कोड को मेरे को कॉपी करना है। कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद सिंपली मेरे को कैंडी पॉकेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको ओपन कर लिया। उसके बाद इस कोड को यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, इस कोड को यहाँ पर डालने के बाद कन्फर्म में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर लोडिंग लेने के बाद सेटअप सक्सेसफुल इस तरीके से पॉपअप आ गया है और मेरा जो है ट्रेडिंग पासवर्ड यहाँ पर सेव हो गया है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप आपका ट्रेडिंग पासवर्ड सेटअप कर सकते हो बहुत ही ईजीली। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप कैंडी पॉकेट का ट्रेडिंग पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो। चेंज करने के लिए आपको ट्रेडिंग पासवर्ड वहां पर सेटिंग्स में क्लिक करके चेंज कर सकते हो बहुत ही इजीली। तो इस वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, फ्यूचर में ऐसा ही वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कोई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।